जय सतगुरु। दोस्तों, सोनाली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम दौड़के की चटनी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए लगने वाला इंग्रेडिएंट्स: लहसुन, अदरक, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून शुगर, नमक स्वाद अनुसार, 6 से 7 ग्रीन चिल्ली, 1/2 कप धनिया। मैंने यहाँ पे 3 दौड़के लिए हैं, 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा प्याज। मैंने तीनों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब हम दौड़के की चटनी बनाने को शुरू करते हैं। हमारा पैन गर्म हो गया। अभी मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल को गर्म होने दें। अब हमारा तेल गर्म हो गया है, हम इसमें अदरक और लहसुन डालेंगे, 1 टेबलस्पून जीरा। अब हम दौड़के कटे हुए दौड़के को डाल लेंगे, टमाटर, प्याज, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ग्रीन चिल्ली, नमक स्वाद अनुसार, शुगर 2 टेबलस्पून, इसे मिक्स कर लें। 10 से 15 मिनट पका लें। बीच बीच में इसे थोड़ा सा हिलाते रहें ताकि जले ना। हमें इसमें तेल में ही फ्राई करना है। ये पानी गलने तक हम इसे पका लेंगे। अब ये पक चुका है, हम गैस को ऑफ कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे। धनिया डाल के थोड़ा सा ठंडा होने दें। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। आप शक्कर की जगह गुड़ भी डाल सकते हो। हमारे दौड़के की चटनी रेडी है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, और हमारे रेसिपी को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें।